जिला प्रशासन मैनपुरी के सहयोग से पर्यटन विभाग, संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित रामायण कॉन्क्लेव कार्यक्रम सिरसागंज में पुराना बस स्टैंड मेन चौराहा सिरसागंज में आयोजित किया गया। चालनकर्ता डॉक्टर अनिल त्रिपाठी जी, कार्यक्रम राजस्थानी लोक नृत्य पद्मश्री गुलाबो सपेरा, छाऊ नृत्य श्री सृष्टिधर महतो, गाथा गायन पद्म विभूषण तेजन भाई, रामलीला श्री यश चौहान, भजन सुश्री अभिलिप्सा पांडा जी, अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। यही मुख्य अतिथि बतौर श्री जयवीर सिंह, माननीय मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश, अयोध्या शोध संस्थान संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश समिति ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यही नगर सिरसागंज की SDM बुशरा बानू, SDM शिकोहाबाद, CEO सिरसागंज को रामायण प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। थाना इंचार्ज उदयवीर सिंह मलिक अपनी पूरी टीम के साथ प्रोग्राम में शामिल होकर प्रोग्राम को शांति प्रिय माहौल से कराया। यही नगर में दूर दूर गांव से आए युवा, महिलाएं, बच्चे, उनके माता पिता भजन कीर्तन सुनकर बहुत आनंद की अनुभूति प्राप्त की। नगर के बड़े बड़े प्रतिष्ठान एवं गणमान्य व्यक्तियों ने तन मन से सहयोग एवं शांति व्यवस्था बनाए रखी, जिसमें डॉक्टर गुरुदत्त, रीना गुरुदत्त, अजय चौहान, सोनी शिवहरे चेयरमैन, ठाकुर वीरू सिंह, गोविंद भाई, अशोक जैन, डॉक्टर रामजीत सिंह लोधी, प्रजापति ब्रह्म कुमारी, ईश्वरी विद्यालय बहन गीतांजलि अपने अन्य साथियों के साथ उपस्थित रहे। तो आप सभी के जो दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार। और पॉपुलैरिटी की बात आप जो कह रहे हैं, पॉपुलैरिटी सर वो मेरे चलते नहीं है या मेरे काम के चलते नहीं है। आप लोग जो प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं उसके चलते ही धीरे धीरे करके आप ही लोग पहचान रहे हैं मुझे। तो उसके लिए तो सबसे पहले आप सबको धन्यवाद। और धन्यवाद बहुत छोटा शब्द है, धन्यवाद मैं सीमित नहीं करूँगी आप सभी के प्यार और आशीर्वाद को। तो आशा करूंगी कि अपनी बेटी को, अपनी बहन को ऐसे ही हमेशा आने वाले वक्त में भी अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहेंगे। जो प्रस्तुति है वो अंत तक कितनी ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तमाम कलाकार जो भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री और पद्म विभूषण से सुशोभित है, उनकी प्रस्तुतियों को देखने को आपको मौका मिलेगा। इससे पहले भी अभी आपने KI कॉलेज में, क्षेत्रीय इंटर कॉलेज में भी जो प्रस्तुतियां साथ देखी होंगी कुछ लोगों ने, हालांकि वहां उपस्थिति अपेक्षाकृत से कम थी, उसमें भी प्रदेश में मनाने वाली 6 तरह की होली, बुंदेलखंडी, अवधी, ब्रज, पूर्वांचली, भोजपुरी, सारी होलियों की प्रस्तुतिकरण वहाँ हुआ था। रसिया, ब्रज गीत, रंगोत्सव, सारे कार्यक्रम की प्रस्तुतियाँ हुई थी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।